लोगों ने कभी मॉस्किटोज पकड़ने की कोशिश की है? अगर की होगी तो आपको पता है कि आपके टच करते ही वो उड़ जाती है। बटरफ्लाइज कितनी ब्यूटीफुल होती है ना, लेकिन जब भी हम उनको पकड़ने के लिए जाते हैं वो भी उड़ जाती है। छोटा एग्जाम्पल है ना, चलिए बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, डॉगीज। जब भी हम अगर डॉगी को टच करें और हम अगर उनके लिए स्ट्रेंजर है, वो हमें नहीं जानता, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो या तो बार्क करेगा और या हमें बाइट कर लेगा। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर इन बेजुबान जानवरों को पता है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद को सेफ कैसे रखना है स्ट्रेंजर लोगों से, तो हमारे बच्चों को यह चीज़ क्यों नहीं पता? क्यों हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एजुकेट नहीं करते कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, सेफ टच क्या है, डेंजर टच क्या है? क्यों क्यों हम एज अ पेरेंट्स सिर्फ उन पे दूसरी चीज़ें, दूसरी वैल्यू सिखाने में लगे रहते हैं जो कि शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि ये चीज़ है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, जय जिनेंद्र, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल टाइडी बग में। तो मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा एज अ पेरेंट, मैं भी एक 4 ईयर ओल्ड बॉय की मदर हूँ, तो एज अ पेरेंट मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे बच्चों को अबाउट गुड टच एंड बैड टच एजुकेट करना बहुत 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 कंपल्सरी है। क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं अबाउट द रेप्स, अबाउट द लाइक जो भी सोशल अब्यूज़ होते हैं, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते। तो ऐसे में हमें ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हमारे बच्चों को एजुकेट करें ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सेफ रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक डिटेल को ऐड किया है, अच्छे से बताया है कि आपको अपने बच्चों को ये चीज़ कब कहाँ कैसे बतानी है और कैसे समझानी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें हमारे बच्चे को कब ये चीज़ें बतानी है, कब इसके बारे में उनको एक्नॉलेज करना है। तो एज सून एज जब आपका बेबी अंडरस्टैंड करने लग जाए आपकी चीज़ों को, तो आपको इस टॉपिक को उनको इंट्रोड्यूस कर देना है अबाउट द गुड टच एंड बैड टच। हाँ, उनको थोड़ा डिटेल में हम लोग ये चीज़ नहीं समझा सकते, बट ऊपर ऊपर से आपको उनको ये चीज़ समझानी है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि विद द एज वो जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपका ये जो टॉपिक का डिस्कशन है वो भी इन डिटेल बढ़ता जाएगा, डीप में चलता जाएगा। तो आपको इन डीप आपको आगे जाके बच्चों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, हु विल टीच, ये बच्चों को कौन समझाएगा? तो ऑब्वियसली जो भी बच्चों के क्लोज है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी बच्चे को समझा सकता है जो उनके बहुत क्लोज है, और जिसकी बच्चा बात सुनता है इम्पोर्टेंटली वही अपने बच्चे के साथ ये चीज़ डिस्कस करे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें किसको समझाना है। तो बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ आती होगी कि हमें सिर्फ गर्ल्स को समझाना है इसके बारे में। तो जी नहीं, आपको गर्ल्स को भी ये चीज़ समझानी है और बराबर आपको बॉयज़ को भी यही चीज़ समझानी है कि जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं, जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वो फ्यूचर में आपको जाके किसी के साथ करनी भी नहीं है। आपको अगर गुड टच बैड टच के बारे में बताया जा रहा है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको उस चीज़ को स्टॉप करना है और आपको ये चीज़ें किसी के साथ भी नहीं करनी है। ये हमें उनको अच्छे से समझाना है। फोर्थ वन, हमें वो चीज़ कहाँ समझानी है, वेयर टू टीच। तो जब भी आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तब आप उनको ये चीज़ समझा सकते हैं। आप इनके लिए स्टोरीज बना सकते हैं और उनके थ्रू उसको समझा सकते हैं। आप जब उनको बात दे रहे हैं तब आप उसके बारे में उनको समझा सकते हैं। याद रखिए, जब भी बच्चा आपकी कोई एक्टिविटी कर रहा है तब उसके बारे में ना बताएं, क्योंकि उसका पूरा फोकस आपकी बातों पर नहीं रहेगा और एज अ रिजल्ट वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा भी नहीं। तो ध्यान रखिए, जब भी आपका बच्चा पूरा तरीके से आपके साथ हो, आपकी बातें सुन रहा है, तभी आप ये चीज उनको समझाइए। आप उनके स्कूल में भी ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि टीचर्स एज अ सेशन उनका एक ले गुड टच बैड टच के बारे में और उनको ये चीज एजुकेट करें, ताकि अगर स्कूल में कुछ ऐसा हो तो वो आके टीचर को कम्युनिकेट कर सके कि उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्या हुआ है एग्जैक्टली। क्योंकि हम एज अ पेरेंट 24/7 बच्चों के साथ नहीं रह सकते, तो हमारी
तो हमारा ये फर्ज है कि हम उनको पूरी तरीके से उसके बारे में एजुकेट करें ताकि वो कहीं पे भी जाए वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन एंड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टू टीच। हमें हमारे बच्चों को इस टॉपिक पे समझाना क्या है, कैसे समझाना है, कैसे उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग देनी है। इसमें सबसे फर्स्ट चीज आती है, आपको अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो होता क्या है। ये आप कैसे करेंगे? आप उनको समझा सकते हैं कि जब भी मम्मा पापा आपको हग करते हैं, आपको किस करते हैं, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको आर्म्स में लेते हैं, तो इससे आपको कैसा फील होता है। ऑब्वियसली दे विल फील हैप्पी। अगर आपको अगर ये सब चीजों से हैप्पी फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, तो ऑब्वियसली दैट विल अ गुड टच। अगर आपकी टीचर आपके शोल्डर पे टैप करती है, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया हो, तो वो भी गुड टच है। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैंडशेक कर रहे हैं या हाई फाइव दे रहे हैं, तो वो भी ओके टच है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेंजर आपको टच कर रहा है और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपको अनसेफ फील हो रहा है, आपको सैड फील हो रहा है, आपको अंदर से बहुत टेंशन हो रहा है, तो वो एक अच्छा फील नहीं होता, वो एक बैड टच होता है। द सेकेंड थिंग, आपको उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताना है, और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आपको उनको स्पेसिफिकली प्राइवेट पार्ट्स के नेम लेके ही उनको समझाना है कि कौन सा प्राइवेट पार्ट है और कौन से उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स है। उनको ये चीज़ समझानी कि अगर कोई दूसरे बॉडी पार्ट्स पे टच करे तो इट्स ओके, लेकिन अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करे अदर देन योर पेरेंट्स एंड डॉक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स, तो वो एक बैड टच है। अब प्राइवेट पार्ट्स आप उनको कैसे समझाएंगे? आप उनको स्विम सूट रूल समझा सकते हैं कि स्विम सूट पहनने के बाद जो भी आपके एरियाज, जो भी आपके पार्ट्स कवर होते हैं, वो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, और आपकी बॉडी आपसे बिलोंग करती है, वो सिर्फ आपकी है। उसके अलावा, पेरेंट्स के अलावा, आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता, किसी को भी परमिशन नहीं है अदर देन डॉक्टर, अगर आप उनके लिए उनके वहां कोई चेकअप के लिए गए हैं तो। थर्ड चीज आपको समझानी कि उनको रिएक्ट कैसे करना है अगर उनको कोई टच करने की कोशिश करे, तो उनको समझाइए कोई भी आपको टच करे तो आपको ऑन द स्पॉट जोर से चिल्लाना है। यू हैव टू येल एंड यू हैव टू टेल। आपको बहुत जोर से चिल्लाना है और वहां से जाके डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को बता देना है कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप उनको स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के बारे में, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताएंगे, तो वो आपको आके इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है, और आप ताकि बहुत फास्ट एक्शन ले सके उनके अकॉर्डिंग। और आपको समझाना है फोर्थ थिंग, कि अगर आपको कोई बहुत टाइटली पकड़ ले और आपको जाने ना दे, तो आपको आपके पूरे पावर के साथ उसको बाइट करना है और वहाँ से भाग जाना है कोई ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, और आपको जाते ही आपका जो भी क्लोज वन है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसको ये चीज़ बतानी है। थिंग जो आपको समझानी है उनको, कि अगर कोई भी आपको बोले कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करो, तो यू डोंट हैव टू टच देम, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के प्राइवेट पार्ट्स को टच करनी, और ना ही कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकता है। उनको ये भी समझाइए कि अगर कोई आपको ऐसी डर्टी पिक्चर्स दिखा रहा है या फिर कोई वीडियोस दिखा रहा है जिनमें दे आर नॉट हैविंग क्लोथ्स ऑन देयर बॉडी, तो आपको वो चीज़ें नहीं देखनी है, आपको स्ट्रेट नो कर देना है और वहाँ से चले जाना है। ओके, इसके ये तो हो गई, हमें हमारे बच्चों को क्या समझाना है, कैसे अबाउट द गुड टच एंड बैड टच समझाना है, ये आप समझ ही गए होंगे इन सब पॉइंट्स से। एज अ पेरेंट, सब कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको भी समझने बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। डोंट फोर्स योर चाइल्ड, कभी भी अपने बच्चे को कोई चीज़ करने के लिए फोर्स ना करे। अगर वो कोई चीज़ करने के लिए मना कर रहा है, तो इसका मतलब उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है। सर क्या होता है, हमारे घर में अगर कोई रिलेटिव आता है और वो हमारे बच्चे को हग करना चाहता है या किस करना चाहता है या उसको आर्म्स में लेता है, तो बच्चा डर जाता है और वो उस चीज़ को करने के लिए मना करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं एज अ पेरेंट्स, चलो कर लो बेटा, कर लो, अंकल है, हग कर लो, किस कर लो, कोई बात नहीं, करो करो। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर बच्चा आपको मना कर रहा है, तो प्लीज़ उसको अननेसेसरीली फोर्स ना करें ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि बच्चों की इंस्टिंक्ट बहुत बहुत शार्प होती है। अगर उनको कुछ गलत लग रहा है, दैट मीन्स उनको गलत लग रहा है और कुछ गलत हो रहा है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट।
द सेकेंड थिंग, मेंटेन प्राइवेसी ऑफ योर चाइल्ड. अगर आपका बच्चे को वॉशरूम जाना है या फिर उसको आपने नहलाना है तो प्लीज़ ये ट्राई करें कि आप किसी के सामने ये चीज़ ना करें. ऐसा नहीं पूरा रूम लोगों से भरा है और उसके बीच में आप अपने बच्चे का पैंट चेंज कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए. इससे उनका प्राइवेसी पे बहुत असर पड़ता है. और उनको आप समझाइए कि उनकी है ऐसे लोगों को या सुना है, लाइक अगर कोई बच्चा है उसने अगर सुसु कर दिया या पॉटी कर दिया और उसको चेंज उसको लाइक चेंज करना हो तो वो लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन करके ऐसे ही छोड़ देते हैं. एंड देन लाइक मुझे ये चीज़ नहीं स्टार्टिंग से ही पसंद है. और मैं अगर उनको जाके पूछती भी हूँ कि आपने उसको वापस डायपर या नैपी या उसका पैंट क्यों नहीं पहना है, तो उसका आंसर इतना फनी होता है कि थोड़ी देर हवा लग रही है, हवा लगने दो. अरे भाई वो क्या कोई अचार है सुखाने के लिए आपने अचार रखा है जिसको हवा लगाने की जरूरत है, या फिर कोई गीले कपड़े हैं जिनको हवा की जरूरत है? तो भाई ऐसा कृपया ना करें. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको प्राइवेट पार्ट्स का हवा लगानी होती है. प्लीज़ अगर ऐसी हवा लगानी होती तो भाई ये चीज़ें बनी ही ना होती कि हमें हमारे प्राइवेट पार्ट्स को कवर करके रखना चाहिए. क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का आप अगर यही आदत डालते रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होने के बाद उनको वो चीज़ उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करने की आदत ही नहीं रहेगी. तो ये चीज़ें हम ही बच्चों में गलत डाल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें. द नेक्स्ट थिंग, यू शुड ऑल्सो मेंटेन योर प्राइवेसी इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड. यस, हम बहुत एज अ पेरेंट्स हम लोग सोचते हैं ये बच्चा हमारा है, छोटा है, इसको क्या समझ में आता है. हम उनके सामने ही अपने कपड़े चेंज करते हैं या उनके सामने ही हम लोग नहाते हैं. थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है, इट्स ओके. लेकिन जब वो एक समझने की स्टेज पे आ जाता है तो बच्चों के साथ क्या होता है, वो कोई चीज़ को अगर देख लेते हैं उनमें उनको टच करने की, उनको उसको समझने की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है. तो अगर हम लोग हमारे बच्चों के सामने कपड़े चेंज कर रहे हैं तो वो अगर हमारे बॉडी को देख रहे हैं तो उनमें वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ को और समझने की, उसको टच करने की. और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, अगर चेंज कर भी रहे हैं, तो प्लीज़ ये बहुत ध्यान रखें कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा हमेशा कवर करके ही रखें. ये अगर आपका बच्चा आके बोले कि अंकल ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया या इस किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप शॉक्ड मत होइएगा ये जान के कि कोई फैमिली मेंबर ऐसा कर सकता है. या आप इस आर्ग्यूमेंट में मत लग जाइएगा कि नहीं फैमिली मेंबर है वो कैसे कोई कुछ कर सकता है. तो ये आपका इंस्टिंक्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में भी बहुत जन ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हमें उन पे भरोसा है, हम उनको क्या कहेंगे. लेकिन प्लीज़ अगर आपका बच्चा बोल रहा है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें. ओके, द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज डोंट हेजिटेट टू एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट दिस. आप बिल्कुल भी शर्माइए मत कि हम हमारे बच्चों के साथ ये चीज़ें कैसे शेयर करेंगे. क्योंकि एज अ पेरेंट अगर हम अपने बच्चों को दूसरी वैल्यूएबल चीज़ें सिखा रहे हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अच्छा बिहेव करना, तो ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमारे बच्चों को समझानी चाहिए. क्योंकि ये एक चीज़ शायद कई बच्चों का फ्यूचर बचा सकती है. कई बच्चों के अंदर जो मेंटली डिप्रेशन हो जाता है बहुत दफ़े इस वजह से भी हो जाता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है लेकिन वो इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव वंस के साथ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर रहता है कि अगर मैं उनको बताऊंगा तो शायद मैं ही उस चीज़ में गलत हो जाऊंगा या मुझे चुप करवा दिया जाएगा. तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना शर्माएं अपने बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए. और ये भी याद रखें जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये कन्वर्सेशन थोड़ा डीप में जाता जाएगा. तो आप आराम से अपने बच्चों के साथ बैठिए और उनको ये चीज़ें समझाइए. क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ हर वक्त नहीं रह सकते, हमें हमारे बच्चों को ये एजुकेशन तो देनी है ताकि इन फ्यूचर अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो ये चीज़ समझ सके कि क्या गलत है क्या सही है और मुझे उस चीज़ में कैसे रिएक्ट करना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है. तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए और इसको स्प्रेड करना चाहिए. क्योंकि बहुत बोल लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमें ये बोलना है बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, गुड टच बेड टच के बारे में समझाओ और उनका फ्यूचर सेफ बनाओ. तो इसी नोट के साथ मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो. होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक